एवरीवन, वेलकम बैक टू रिक्रिएट विद राखी। आज हम बनाने वाले हैं ट्रेडिशनल वॉल हैंगिंग, जो बहुत ही कलरफुल और बहुत ही ब्यूटीफुल है, और इसे आप अपने लिविंग रूम में, डाइनिंग एरिया में या अपने बेडरूम में लगा के अपनी वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये हम कैसे बनाएंगे। ट्रेडिशनल काइट बनाने के लिए हमें यहाँ पर वुलन चाहिए और उसी के साथ ही हमें दो स्टिक चाहिए होगी। तो यहाँ पर मैंने बारबेक्यू स्क्यू लिया हुआ है। आप इसकी जगह चाहें तो जो कुल्फी स्टिक्स आती है स्टेशनरी में, आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगी, आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई दूसरी पतली सी कोई राउंड में स्टिक हो, आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बारबेक्यू स्क्यू का यूज़ किया हुआ है, तो जो उसकी टिप जो पॉइंटेड होती है उसे मैंने सीजर की हेल्प से कट कर दिया है। कट करने के बाद अब इसे मैं दोनों स्टिक को ग्लू लगाकर थोड़ा सा स्टिक कर दूंगी, क्योंकि इससे है ना बहुत इजी हो जाएगा। ये आप ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट बनाया था तो मेरे से बहुत डिफ़िकल्टी हुआ था बनाने के लिए, तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप दोनों स्टिक को ग्लू लगाकर स्टिक करिए। और उसी के साथ ही अब मैं जिस तरीके से वुलन को लपेटती जा रही हूँ, मेरे हाथों के मूवमेंट को आप देखते रहिए, आप उसे ही फॉलो करिए। यहाँ पर मैं बेसिकली जो स्टिक है उसे प्लस के साइन में हमने उसे कर दिया है, और उसी के साथ ही अब मैं थोड़ा सा उसे टाइट करने के लिए कि वो अपनी जगह से हिले ना, तो मैं उसे वुलन को अच्छी तरीके से चारों तरफ से अच्छे से मैं घुमा के उसे लपेट रही हूँ। और उसके बाद हमारा जो मेन स्टेप्स है मैं वो फॉलो करूँगी, तो आप देखते रहिए मैं क्या कैसे कर रही हूँ। और ये है ना सबसे इजीएस्ट DIY है ये वॉल हैंगिंग, क्योंकि ये जब मैंने बनाया ना तो मैंने 1 आवर में मेरे 2 पीस रेडी हो गए थे। और स्टार्टिंग में जब आप भी बनाएंगे ना तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो ज़रूर होगी, बट लेटर ऑन ये आपको बहुत इजी लगेगा और बस आपको मन करेगा कि चलो और भी बना लिया जाए। और आप भी ज़रूर बना के ट्राई करिए और अपने घर को डेकोरेट करिए, अपने घर को सजाइए। वैसे भी फेस्टिवल बस आ ही रहे हैं, तो क्यों ना अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी जाए। और क्या है ना, जब आप अपने हाथों से कुछ बना कर अपने घर को सजाते हैं ना, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। और जब कोई गेस्ट आपके घर पर आता है और वो आपके बनाए हुए कुछ भी प्रोडक्ट की या कुछ भी सामान की जब तारीफ करता है ना, तो बस वो मेहनत वसूल हो जाती है। मानते हो ना आप भी मेरी ये बात, तो आप भी जरूर ट्राई करिए और अपने घर को सजाइए। यहाँ पर अब मैंने जो फर्स्ट लेयर थी मेरी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए था येलो कलर, तो अब मुझे पिंक कलर उसमें ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगी, येलो को जो है उसका एंड मैं कट कर दूँगी, और जो पिंक कलर जैसे मैंने ऐड करना है तो हम दोनों के एंड्स को हम नॉट बांध देंगे, और जो एक्स्ट्रा पोर्शन है नॉट के आगे का उसे सीजर के हेल्प से कट कर देंगे। और सेम आप जो हम ये प्रोसेस कर रहे थे आप ये करते जाइए। और इसमें आपने नोटिस किया होगा कि ये जो थ्रेड है, ये जो वुलन है, मैं नीचे से ऊपर की तरफ राउंड करते हुए जा रही हूँ।
इसी तरह से करते जाइए और जो एंड बचेगा तो उसे तो उसमें आप नॉट लगा दीजिए और उसे आप हॉट ग्लू गन या तो फिर पीवी बॉन्ड का यूज़ करके उसे आप स्टिक कर दीजिए। यहाँ पर इसे हैंग करने के लिए अब मैं छोटा सा वुलन का पीस ले लूँगी और इसे मैं फेवी बॉन्ड की हेल्प से इसे चिपका दूँगी। या यहाँ पर आप हॉट ग्लू गन का यूज़ भी कर सकते हो। और इसी के साथ ही मैंने चारों कॉर्नर पे पॉम पॉम लगा दिया है और लटकन के लिए अब मैंने टर्सल बनाना है। उसके लिए यहाँ पर मैंने रेड कलर का वुलन ले लिया है और उसी के साथ ही यहाँ पर मैंने जो हमारा डेबिट क्रेडिट कार्ड होता है मैंने वो कार्ड ले लिया है 35 और मैं लपेटती रहूँगी और अच्छा मोटा सा मैंने उसे अच्छी तरीके से लपेट देना है टैसल बनाने के लिए। तो आप इस तरीके से करते जाइए। अब आप यहाँ पर वुलन का छोटा सा एक पीस ले लीजिए और उसे इस तरीके से बीच में बांध दीजिए, दो नॉट बांध दीजिए और उसके बाद अब हम जो वुलन लपेटे हुए हैं उसे कार्ड से अलग हटाएंगे, उसे धीरे धीरे करके खसकाते रहिए। यहाँ पर मैंने तीन टैसल को रेडी कर लिया है और उसी के साथ ही अब हम इसे यहाँ पर लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर फाइनल टच के लिए कुछ पर्ल्स ले लिया है गोल्डन एंड वाइट के बेस में। तो उसके लिए हमें क्या करना है ना, हमने ये जो वुलन जो टैसल है टैसल के ऊपर की जो थी डोरी पे हम थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे जिससे कि वो थोड़ी सी इसकी जो टिप है वो हार्ड हो जाए और जो पर्ल है हमारे वो ईजिली उससे पास हो जाए। तो हमने तीनों में ही ग्लू लगा दिया है और मोती अब बहुत ही इजीली उसमें से जा रही है। तो यहाँ पर अब मैंने जो तीनों टैसल है उसे अब ग्लू लगा कर मैंने उसे चिपका दिया है और हमारा ये जो वुलन काइट है वो बिल्कुल रेडी है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करें।